कड़ी 100 किलो, 30 किलो राजमा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कड़ी या राजमा आपकी क्या फेवरेट है। कमाल की प्लेट लग रही थी सुबह। हरिद्वार में इससे बड़े कड़ी चावल नहीं, 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 नहीं। तीन चार बाल्टियां और हैं। हाँ जी सर, तीन चार बाल्टी हो रहे। जय गंगा मैया की। दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार में आर्यनगर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे कड़ी चावल वाला जो दिन की 100 किलो की कड़ी तो आसानी से बेच देता है। कौन है? कश्यप जी के पास हम आए हैं। 100 किलो कड़ी तो बिकनी ही बिकनी है, उसके ऊपर भी बनाते रहते हैं। यहाँ पे 30 किलो राजमा फिक्स है यहाँ पे, और प्लेट का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़िया कि आप कहेंगे यार ये मतलब कैसे चला रहे हैं। 40 रुपये की बड़े साइज़ की प्लेट जिसमें दो जने भी आराम से खा लें। ट्राई करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाइस। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए मेरे साथ। और भाई कश्यप जी की स्पीड देख लीजिए एक बार आप। यहाँ पे कड़ी को भी हिलाते रहते हैं साथ में ताकि ज़्यादा गाड़ी एक जगह ना हो जाए। चलाते चलाते और लोग हैं ऐसे दोस्तों की यहाँ पे आप हाफ प्लेट लेके लेकिन चावल भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और ये बिल्कुल कोई मना नहीं है उसके। कश्यप जी मैं देख रहा हूँ कि हाफ प्लेट लेके भी लोग चावल भी डलवा रहे हैं एक्स्ट्रा। हर कड़ी डाल रहे पर कुछ भी लोग चावल भी डलवा रहे हैं। अच्छा आप मना किसी को कुछ नहीं कर रहे, आप जी भर के खाओ यहाँ पे जो खा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। थोड़ा बताइए कितना टाइम हो गया कश्यप चलाते हुए? 2016। अच्छा तो आप ही थे, आपके पिताजी ने स्टार्ट करा? पिताजी ने स्टार्ट किया। अच्छा भाई कढ़ाई भर के कड़ी बनती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऊपर पकौड़े दिख रहे हैं आपको। ये भाई पूरी हाँ छींटे आ रही है। एक कढ़ाई नहीं है, भर के बनती रहती है कड़ी यहाँ पे, और पीछे से डाली जाती है। 100 किलो कड़ी रोज की है। और राजमा कितने बनते होंगे? राजमा इसमें 30 केजी। 30 किलो राजमा। और भी है राजमा पीछे? नहीं ये राजमा, सिर्फ यही राजमा। कड़ी 100 किलो, 30 किलो राजमा, और गर्मा गर्म गाढ़े गाढ़े राजमा। बहुत बढ़िया लग रहे हैं दोनों। बहुत सही। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कड़ी या राजमा आपकी क्या फेवरेट है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वैसे तो मुझे दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं, और भाई कड़ी जो इतनी क्वांटिटी में चल रही है ना यहाँ पे कुछ तो बात है। मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने सिर्फ झील में दिल्ली में देखी है गब्बर कड़ी चावल वाले पे, उसके बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ। और यहाँ पे आप मिक्स भी कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है इनके प्राइसेस, 30 रुपये की हाफ, 40 रुपये की फुल प्लेट। ये फुल प्लेट है जो आपके सामने जा रही है, जो कि लोग 60-70 रुपये तक ले लेते हैं जिस फुल प्लेट के, वो यहाँ सिर्फ 40 रुपये की है। मैं तो कहूँगा एक तरीके से सेवा भाव की तरह यहाँ पर आपको खिला रहे हैं, और जितने चाहे आप उतने कड़ी राजमा डलवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग मिक्स करवा के भी ले रहे हैं। हम हाफ प्लेट लेते हैं, ये प्लेट में लगा दीजिएगा, स्टील की प्लेट में लुक भी अच्छा आएगा और खाने का मज़ा भी है। हाँ वो चावल डल रहे हैं आपने? अच्छा चावल भी डलवा लेते यहाँ पे, तो हाफ फुल का मीनिंग तो कुछ हुआ ही नहीं फिर। तो एक हाफ लगवाते हैं जिसमें हम हाफ राजमा और हाफ कड़ी लगाएंगे। गरम गरम कड़ी चलाते रहते हैं, काटते रहते हैं पूरी कड़ी को, ये पकते रहती है नीचे पूरे दिन। सेम राजमा, इसलिए आपको यहाँ की कड़ी राजमा थोड़े गाढ़े दिखेंगे। भाई राजकुमार तो आजकल ये आ गए राजमा। ये भी इधर भी तुम्हारी है, ये वाली भी बंद कर दी, वाली बंद कर दी, ये आगे तुम्हारी। बढ़िया ऊपर से आ गया मसाला, अंदर दबा लिया जी, इधर दबा लेना साथ में प्याज और चटनी। चटनी कौन सी रहती है भैया? ये हरी चटनी होती है भैया, धनिया वाली। धनिया वाली होती है, दही वगैरह भी डालते हैं इसमें? दही डलेगी जी। और ये आ गया बटर। प्लेट तो सारी कमाल लग रही है, ऊपर से हरी मिर्च, कमाल की प्लेट लग रही थी सुबह की। चलिए भाई स्वाद लेते हैं, बताते हैं आपको कैसा। ज़्यादा लोग हैं मिक्स ही करवा रहे हैं कड़ी और राजमा। भाई मतलब अपने
वाली गाड़ी खड़ी है, पानी वाली तो कुछ लगी नहीं रही है इसमें, इतनी गाड़ी खड़ी है कि इन्हें पानी डालना पड़ता है ऊपर से। भैया पूरे दिन वो काटते रहते हैं ना तो बहुत गाड़ी हो जाती है, पर मज़ेदार बहुत है। खट्टापन है कड़ी में, पकौड़ा ट्राई करें। पकौड़ा आई विल से कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। अरे पकौड़े के अंदर सिंपल प्लेन पकौड़ा ही है, बड़े लग रहा है। पकौड़े के अंदर कुछ तो इन्होंने डाला है, स्वाद थोड़ा सा हल्का, जैसे सत्तू वगैरह डालो। कड़ी चावल बहुत कमाल लग रहा है, एक बार राजमा चावल पे भी आते हैं। राजमा ही बहुत बढ़िया, पर मैं यह कहूँगा कड़ी ना एक नंबर ज़्यादा ऊपर है, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन भी रही है यहाँ पे। तो ज़रूर आप आइए यहाँ पे, यहाँ की कड़ी चावल तो यार मस्ट ट्राई रहेंगे अगर आप हरिद्वार आते हो। सिंपल सोबर खाना, आराम से आइए गंगा मैया की आरती के बाद, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, मज़ेदार फूड। अब एक काम करते हैं, कड़ी चावल और राजमा चावल रायता के बिना अधूरे हैं, उनसे रायता भी लेते हैं जो कि 10 रुपये का ग्लास है, और टेस्ट करते हैं। बटर ये वाला डिलीशियस वाला, अगर आपको अमूल बटर डलवाना है तो उसके चार्जेस इन्होंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं आपके ऊपर, अगर आपको बटर नहीं भी डलवाना तो भी आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो बटर की कुछ खास नीड तो है नहीं, राजमा चावल कड़ी चावल हम खाते हैं तो बटर वगैरह तो हम डलवाते भी नहीं है वैसे, पर डलवाना तो आपके ऊपर है। अभी कम करते रायता लेते हैं, रायता टेस्ट करते हैं। इसमें मधुसूदन की छाछ यूज़ करते हैं, मसाले डाल के, और यहाँ की छाछ बढ़िया। दो ग्लास लगा दीजिए। मसाला और नमक रहता है, साथ में आ गई छाछ। साथ में ले लिया हमने 10 रुपये की छाछ। थोड़ा स्पाइसी सा रहता है, मज़ेदार चाट मसाला, मिर्ची नमक वगैरह डाल के मज़ेदार है। भाई यहाँ पे आना पड़ेगा आपको अगर आप कड़ी चावल के फ़ैन है हरिद्वार में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कड़ी जो बेचते हैं वो यही है, पूरा दिन पकते रहते हैं यहाँ की कड़ी। सर टाइमिंग क्या है दुकान की, किस टाइम खुलती है दुकान? सुबह 9 बजे 3 बजे तक है, ठीक है। 7 दिन कोई छुट्टी तो नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ आपका फूड, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बड़े बड़े जगह आपके सामने आते रहेंगे, और भाई अपना प्यार बरसाइए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।